क्लास 10 के बच्चे आज आपकी वर्ड प्रॉब्लम में कुछ स्पेशल टाइप्स के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जिनमें टू डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस आएंगे, मींस दो अंकों वाली संख्या। ठीक है, जैसे आप देखिए ये आपका टू डिजिट नंबर है। देखिए हम दो संख्या वाले प्रश्न नहीं कर रहे हैं, दो अंकों वाली संख्या के प्रश्न कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वाले हम दो डिजिट वाले क्वेश्चन नहीं करते, हम टू डिजिट का जो नंबर आता है उसके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये है आपका दो अंकों वाली संख्या, नंबर ऑफ टू डिजिट। आप टू डिजिट नंबर जो होता है उसमें इसे इकाई कहते हैं, वंस, इसे आप यूनिट भी कह सकते हो, और इसे दहाई कहते हैं, टेंस। ठीक है, अब इकाई दहाई वंस और टेंस इन दोनों से मिलकर बनता है टू डिजिट नंबर, दो अंकों वाली संख्या। ठीक है, और जब हम इसके नंबर को चेंज करेंगे, इसके क्रम बदलेंगे, इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, तो ये नंबर हो जाएगा 62। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, क्या संबंध होगा, ये हमें इन क्वेश्चंस में बताया गया है। ठीक है, जैसे आपको बताता हूं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप इकाई को वंस को एक्स सपोज कर लेंगे और दहाई को टेंस को वाई। इकाई वंस यानी यूनिट प्लेस होता है। ठीक है, ठीक है ना। अब मैं आपको इसी के अकॉर्डिंग कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, मान लो आपका इकाई वंस यूनिट 6 है और दहाई टेंस 2 है, तो आपकी मूल संख्या ओरिजिनल नंबर टू डिजिट नंबर क्या होगा। ठीक है, आप तो जानते ही हो 6 इकाई वंस यूनिट और 2 दहाई टेंस, तो आपका ओरिजिनल नंबर हो जाएगा 26। ठीक है, इसे हम कहेंगे दो अंकों वाली संख्या, टू डिजिट नंबर या ओरिजिनल नंबर। अब ये फॉर्मूले से कैसे आएगा, 10 इंटू टेंस, टेंस मतलब दहाई, प्लस वंस, वंस यानी इकाई, तो वो क्या है 6 है, तो 10 दुनी 20, 10 टू द 20 प्लस 6, ये हो गया 26। अब अगर हम इसे इंटरचेंज करते हैं, क्रम बदल देते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तो आपका 26 हो जाएगा 62। तो ये भी जो है ना फॉर्मूले से आएगा, कैसे, 10 इंटू द इकाई 1 जो कि 6 है, प्लस दहाई 10 जो कि 2 है, तो 10 6 60, 10 6 60 प्लस 2, ये हो गया 62। ठीक है, वैसे तो आप बोलेंगे सर डायरेक्ट भी आ सकता है, यस ये डायरेक्ट भी आ सकता है, लेकिन इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो जब भी आपके सामने टू डिजिट नंबर का कोई क्वेश्चन आएगा, दो अंकों वाली संख्या का, तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, बिना क्वेश्चन को पढ़े, जैसे ही आपको लगा कि आपका क्वेश्चन टू डिजिट नंबर का है, दो अंकों वाली संख्या का, आप इकाई को वंस को एक्स सपोज कर लेंगे, दहाई को टेंस को वाई सपोज कर लेंगे, और ये वाला फॉर्मूला लगाकर ओरिजिनल नंबर टू डिजिट नंबर या मूल संख्या निकालेंगे, वो आएगा 10 इंटू वाई प्लस एक्स, 10 टेंस यानी दहाई की जगह वाई प्लस वंस इकाई की जगह एक्स। फिर आप एक काम और करेंगे, आप परिवर्तित संख्या निकाल लोगे, अंकों के क्रम को बदलने पर प्राप्त संख्या, नंबर ऑब्टेन रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट, 10 इंटू इकाई वंस की प्लेस पर x और दहाई टेंस की प्लेस पर y, तो 10x प्लस y, और फिर आप अपना क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, बताता हूं इसे हम किस तरीके से करेंगे। आप सबसे पहले इकाई को वंस को यूनिट प्लेस को x सपोज कर लेंगे और दहाई को टेंस को y। ठीक है, और उसके बाद जो आपकी मुख्य संख्या है, मेन नंबर, ओरिजिनल नंबर, टू डिजिट नंबर, मूल संख्या, उसका फॉर्मूला लगाएंगे, 10 गुणित दहाई प्लस इकाई, 10 इंटू टेंस प्लस 1, तो 10 इंटू दहाई टेंस की जगह आएगा y और इकाई वंस की जगह आएगा x। तो ये आप लोगों की मूल संख्या ओरिजिनल नंबर आ गई। उसके बाद नंबर ऑक्टेन रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट, संख्या के क्रम को पलटने पर प्राप्त संख्या, मतलब अगर आप इसके डिजिट बदल देंगे, इसके डिजिट्स का ऑर्डर बदल देंगे, इसके अंकों का क्रम बदल देंगे, इकाई की जगह दहाई और दहाई की जगह इकाई, वंस की जगह यूनिट और यूनिट वंस की जगह टेंस और टेंस की जगह वंस आने पर क्या फॉर्मूला लगेगा,
परिवर्तित संख्या, अंकों के क्रम को बदलने पर प्राप्त संख्या, न्यू नंबर, द नंबर ऑब्टेन रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट आएगा 10 इनटू इकाई वंस की जगह x आएगा और दहाई टेंस की जगह y आएगा, तो आपकी नई संख्या परिवर्तित संख्या इंटरचेंजिंग नंबर आएगा 10x + y। और फिर आप अपना क्वेश्चन आगे बढ़ाओगे, बताता हूं इसे कैसे करोगे, ठीक है। ये देखिए अब आप लोगों को मैं जो क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं उन सारे क्वेश्चंस में आप अपना पहला वर्क यही करोगे, ठीक है, पहला वर्क यही करोगे, इसका ध्यान रखना, उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ोगे। क्या करोगे, पहला वर्क आप इकाई को वंस को x सपोज कर लेंगे, दहाई को टेंस को y सपोज कर लोगे और ये फॉर्मूला लगाएंगे 10 × 10 + 1, 10 × 10 + 1 10 की जगह 10 आएगा, 10 की जगह 10 आएगा, 10 की जगह y आएगा, दहाई की जगह y आएगा, प्लस 1 इकाई की जगह x आ जाएगा। और ये जो नंबर आएगा ये आपका ओरिजिनल नंबर है, 2-डिजिट नंबर, मूल संख्या, दो अंकों वाली संख्या, ठीक है। और उसके बाद आप एक फॉर्मूला और लगाओगे, परिवर्तित संख्या न्यू नंबर, ठीक है, अंकों के क्रम को बदलने पर प्राप्त संख्या रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट नंबर 10 × इकाई वंस की जगह x और प्लस दहाई टेंस की जगह y, ठीक है। और फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, अगर आपके क्वेश्चन में संख्याओं की बात हो रही है, डिजिट्स की बात हो रही है, मैं रिपीट कर रहा हूं, संख्या की बात हो रही है, नंबर की बात हो रही है, डिजिट की नहीं, अगर आपके क्वेश्चन में नंबर की बात हो रही है, संख्या की, तो इन दोनों से समीकरण बनेगा, इन दोनों से इक्वेशन बनेगी। और अगर अंकों की बात हो रही है, डिजिट्स की, तो इन दोनों से आपका समीकरण बनेगा, इन दोनों से आपकी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। इकाई का अंक और दहाई का अंक, 10th digit and 1st digit, ये इकाई और दहाई के अंक है और ये अंकों के माध्यम से बनने वाली संख्या है, ये वंस और टेंस के डिजिट्स और ये वंस और टेंस के अकॉर्डिंग बनने वाले नंबर। अगर बात नंबर की हो रही तो इन दोनों से आप इक्वेशन बनाओगे, और अगर बात डिजिट की हो रही तो इन दोनों से आप इक्वेशन बनाओगे, अगर बात संख्या की हो रही तो इन दोनों से आपका समीकरण बनेगा, और अगर बात संख्या के अंकों की हो रही तो इन दोनों से आपका समीकरण बनेगा, इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसके दो ही क्वेश्चन है, मैं आपको ऑलरेडी समझा देता हूँ कौन कौन से है। चलिए अब हम आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13 करने जा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दो अंकों वाली संख्या का है, 2-डिजिट नंबर का, तो मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, आप भी नहीं पढ़ोगे, नो कोई जरूरत नहीं। जब भी कोई प्रश्न दो अंकों वाली संख्या का हो, 2-डिजिट नंबर का, तो आप सबसे पहले इकाई का अंक यूनिट या 1 डिजिट को एक्स मान लेंगे और दहाई का अंक 10th digit को y मान लेंगे। ध्यान रखना ये इकाई और दहाई के अंक है, यूनिट और 10th के डिजिट, ठीक है। अब आप इसके माध्यम से, इसके अकॉर्डिंग दो संख्याएं बनाएंगे, दो नंबर बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि आपका इकाई 1 6 है और दहाई 10th 2 है, तो आपकी मूल संख्या और एक नंबर हो जाए 26 और इसको बदलेंगे तो वो जाएगा 62। तो इस टाइप से हम भी हमारी दो संख्याएं, हम भी हमारे दो नंबर बनाएंगे, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, मूल संख्या ओरिजिनल नंबर 10 × 10 + 1, 10 × 10 + 1। तो 10 की जगह 10 आएगा, दहाई 10 की जगह y आएगा और इकाई 1 यूनिट की जगह x आएगा, ये आपकी मूल संख्या आ गई, ओरिजिनल नंबर। फिर आप परिवर्तित संख्या बनाओगे, न्यू नंबर, जैसे 26 का 62 हुआ था, उसके लिए अंकों के क्रम को बदलने से प्राप्त संख्या, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट, 10 की जगह 10 आएगा, इकाई वंस की जगह x आएगा, दहाई टेंस की जगह y आएगा। ये दो काम आप लोगों को पहले कर देना है, ठीक है, उसके बाद आप लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। तो आपके क्वेश्चन में जो फर्स्ट कंडीशन है, प्रथम शर्त, वो क्या है, सम ऑफ 2 डिजिट एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। इसका मतलब
जो टू डिजिट के नंबर वाली, जो टू डिजिट नंबर है, ठीक है, और नंबर को चेंज करने पे आने वाला नया नंबर, इन दोनों का सम 66 है। फिर से पढ़ देता हूं, सम ऑफ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर यानी ये टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट्स को रिवर्सिंग करने के बाद जो नंबर आया, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट एन एक्स प्लस वाई, इन दोनों का सम 66 है। आया समझ में? हिंदी मीडियम वाले दो अंकों वाली संख्या और इंग्लिश मीडियम वाले टू डिजिट नंबर, ये और अंकों के क्रम को बदलने से प्राप्त संख्या, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट, ये है, और हमें इन दोनों का सम, इन दोनों का योग 66 दिया है, 66। तो हम पहली कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में इन दोनों को प्लस करके दिखा देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, टेन एक्स एलेवन एक्स, इलेवन एक्स टेन वाई एंड वन वाई इलेवन वाई इक्वल टू 66, ठीक है। अब इसको अपन 11 से भाग दे सकते, 11 से डिवाइड कर सकते, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, 11 एकम 11, 11 बनते 11, 11 एकम 11, 11 बनते 11, 11 66, 11 छन 66, ये आपका नंबर वन आ गया। आया समझ में? सम ऑफ टू डिजिट नंबर, ये रहा टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट, ये रहा नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट, दो अंकों वाली संख्या ये है और अंकों के क्रम को पलटने से प्राप्त संख्या ये है, इन दोनों का टोटल, इन दोनों का सम आपको दिया है 66, ठीक है। तो हमने इन दोनों को प्लस करके निकाल लिया 66, और बाद में इसे 11 से भाग देके 11 से डिवाइड करके समीकरण को, इक्वेशन को छोटा कर दिया। अब आप जानते हो कि दो समीकरण आते हैं, दो इक्वेशन आती है, तो पहला समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन अगर इसके आधार पर बनाए, इसके अकॉर्डिंग बनाए, तो आपका दूसरा समीकरण, सेकेंड इक्वेशन अंकों के आधार पर बनेगा, डिजिट्स के बेस पर बनेगा, और वो अंक, वो डिजिट है इकाई और दहाई, वंस और टेंस। अब आपका अगला इक्वेशन, अगला समीकरण, सेकेंड कंडीशन, इस पर डिपेंड होंगे, बताता हूं क्या है। द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय टू, डिजिट्स ऑफ द नंबर, इस नंबर के जो दो डिजिट है वंस और टेन, उनका डिफरेंस टू है, इसके अंकों का अंतर दो है, और इसके दो अंक कौन कौन से हैं, इकाई और दहाई, वंस और टेन, जिसे आपने एक्स और वाई माना है, तो एक्स और वाई को माइनस करके आपको दिखाना पड़ेगा टू, क्योंकि उसका अंतर दो है, डिफरेंस टू है, ये आपका समीकरण बन गया, ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो इसे एक बार फिर समझे, क्या किया गया, जब भी कोई प्रश्न, जब भी कोई क्वेश्चन दो अंकों वाली संख्या का हो, टू डिजिट नंबर का, तो आप इकाई का अंक यूनिट प्लेस वंस डिजिट को एक्स मानेंगे, और दहाई का अंक टेंथ डिजिट को वाई मानेंगे, ये आपके दो अंक है, दो डिजिट है, ठीक है। और इसके आधार पर आप मूल संख्या बनाएंगे, मुख्य संख्या, ओरिजिनल नंबर, टू डिजिट नंबर जो रहेगा 10y प्लस x, फिर आप परिवर्तित संख्या बनाएंगे, इंटरचेंज नंबर, नंबर को रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट करने के बाद, परिवर्तित करने के बाद वो आएगा 10x प्लस y, ये समझा दिया मैंने। और दो समीकरण बनाएंगे, दो इक्वेशन, अगर आपका समीकरण, अगर आपका इक्वेशन नंबरों पर बन रहा हो, संख्याओं पर बन रहा हो, नंबर के अकॉर्डिंग बन रहा हो, तो इन दोनों से बनेगा, और अंकों के आधार पर बन रहा हो, डिजिट्स की बेस पर बन रहा हो, तो इन दोनों से बनेगा। तो आपका पहला समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनी, सम ऑफ टू डिजिट नंबर, ये रहा टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट, ये रहा नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट, इन दोनों का सम 66 है। दो अंकों वाली संख्या ये है, और अंकों के क्रम को पलटने से प्राप्त संख्या ये है, इन दोनों का योग 66 है, 66। तो ये आपका पहला समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन बन गया, और दूसरा समीकरण, सेकेंड इक्वेशन, अंकों के आधार पर बनेगा, डिजिट्स के बेस पर बनेगा, इसके अंकों का अंतर दो है, इसके डिजिट्स का डिफरेंस टू है, तो इसके दो अंक, इसके दो डिजिट है एक्स और वाई, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस टू है। अब आप इसे विलोपन से, एलिमिनेशन से सॉल्व कर दें,
तो देखिए सीधे सीधे y से y कैंसिल हो गया, 1x और 1x 2x, ये हो गया 8, x इक्वल 8 के अपॉन में 2 आएगा, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसे नंबर 1 में रखते, नंबर 1 है x प्लस y इक्वल टू 6, x की प्लेस पर 4 प्लस y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 माइनस 4, तो आपका y जो आ गया 2 आ गया, हो गया क्वेश्चन है। अब आप अपने क्वेश्चन को लास्ट में कैसे ले जाओगे, अपने इकाई को वंस को x सपोज किया था जो आया है 4, और दहाई को टेंस को y सपोज किया था जो आया है 2, तो आपकी संख्या आपका नंबर इकाई वंस यूनिट 4 है और दहाई टेंस 22 है, तो आपकी संख्या नंबर आ जाएगा 24। इसको आप जब बदलोगे इंटरचेंज करोगे तो 42 हो जाएगा, और देखिए इन दोनों का टोटल 66 होता है, 66 होता है, ठीक है। और इसके अंकों का अंतर, इसके डिजिट्स का डिफरेंस 2 है, देखो इन दोनों को माइनस करके देखो तो 2 आता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसके टाइप का एक क्वेश्चन और है, उसे भी कर लेते हैं। अब हम लोग इसी से संबंधित, इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 3.4 का सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये प्रश्न, ये क्वेश्चन भी दो अंकों वाली संख्या का है, टू डिजिट नंबर का, तो आपका बिना क्वेश्चन पढ़े पहला काम, फर्स्ट वर्क होगा इकाई का अंक वंस डिजिट को आप एक्स सपोज कर ले और दहाई टेंस को आप वाई, इसे यूनिट प्लेस भी कह सकते हैं, इकाई को वंस को यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप मूल संख्या ओरिजिनल नंबर, जिसे टू डिजिट नंबर कहा जाता है, टेन वाई प्लस एक्स, इस फॉर्मूले से बना ले, और परिवर्तित संख्या न्यू नंबर, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट, अंकों के क्रम को बदलने से प्राप्त संख्या, ये 10y प्लस 10x प्लस y, इस फॉर्मूले से बन जाएगी। आप लोगों को इसका ध्यान रखना है और उसके बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है। और क्वेश्चन है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, जो टू डिजिट नंबर का नंबर आता है उसके दोनों डिजिट का सम 9 है, मतलब दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है, ठीक है। सम ऑफ टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9, इसका मतलब हमारी जो संख्या है, हमारा जो नंबर है, उसके दोनों अंकों का योग, दोनों डिजिट का सम 9 है, तो ये अंकों पे आधारित है, नंबर यूनिट सॉरी डिजिट्स पर बेस्ड है। दो अंकों वाली संख्या के दो अंक कौन कौन से होते हैं, इकाई और दहाई, उन दोनों का योग है 9। टू डिजिट्स नंबर के दोनों डिजिट का सम 9 है, तो टू डिजिट्स कौन कौन से हैं, यूनिट और टेंस, इन दोनों का सम 9 है, तो हम इन दोनों को प्लस करके 9 दिखा देंगे, 9 दिखा देंगे, और यह आपका पहला समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। यानी आपका पहला समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन अंकों पर आधारित है, बेस्ड ऑन नंबर, बेस्ड ऑन डिजिट्स, और टू डिजिट नंबर के दोनों डिजिट का सम 9 है, और वो दोनों डिजिट है यूनिट और टेंस, इकाई और दहाई, एक्स और वाई, उन दोनों को प्लस करके आपने 9 दिखा दिया, ठीक है। अब डेफिनेटली आपका दूसरा समीकरण, सेकेंड इक्वेशन संख्याओं पर होगा, नंबर पर बेस्ड होगा, और हमारी वो दो संख्या है, हमारे वो दो नंबर है ये, तो अब मैं दूसरी कंडीशन पे आता हूं, सेकेंड कंडीशन, दूसरी शर्त, और वो क्या है, देखिए 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी ये जो आपका नंबर है, ये जो आपकी संख्या है, मैंने बोला ना ये आपकी ओरिजिनल नंबर है, ये आपकी मुख्य संख्या है, 10y प्लस x, इसका 9 टाइम, ठीक है, इक्वल है, किसके इक्वल है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट, जो रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट वाला नंबर आया है 10x प्लस y, इसका ट्वाइस, क्या मतलब है इसका, कि जो आपकी दो अंकों वाली संख्या है, टू डिजिट नंबर 10x प्लस y, इसका 9 गुना, 9 टाइम्स, ठीक है। जो संख्या को परिवर्तित, अंकों को परिवर्तित करने पर संख्या आई,
नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट 10x प्लस y इसके दो गुने के बराबर है। मतलब आपका जो टू डिजिट नंबर है इसका 9 टाइम रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट नंबर के 2 टाइम्स के इक्वल है। दो अंकों वाली संख्या का 9 गुना अंकों के परिवर्तित करने पर प्राप्त संख्या के दो गुने के बराबर है, यानी इसका 9 टाइम इसके 2 टाइम्स के इक्वल है। ठीक है, अब सॉल्व कर दें। ये हो जाएगा 90y, 90y, ये हो जाएगा 9x, 9x, ये हो जाएगा 20x, 20x और ये हो जाएगा 2y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखिए, समीकरण बनाने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए +20x -20x हो गया, +2y -2y हो गया और यहाँ 0 आ गया क्योंकि इस तरफ x और y आता है। ठीक है, तो 20x में से 9x गया तो 11x आएगा लेकिन माइनस में, और 90y में से 2y गया तो 88y आएगा लेकिन प्लस में। ठीक है, और आप इसे 11 से भाग दे सकते, 11 से डिवाइड कर सकते, तो 11 एकम 11, 11 8 88, 11 8 88 और 11 0 0 11 0 0 हो गया। ये नंबर 1 बन गया, नंबर 2 बन गया। अब हम इन दोनों को विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं, और वो है x + y = 9 और -x + 8y = 0। ठीक है, तो ये x से x सीधे सीधे कैंसिल हो गया, 8y और 1y = 9y = 9 के अपॉन में 9 आएगा तो y आएगा 1। इसे उठाकर नंबर 1 में रख दे, तो नंबर 1 है आपका x + y = 9, तो x की प्लेस पर आपका आ जाएगा x, y की जगह आ जाएगा आपका 1 = 9। x निकालने के लिए 9 में से 1 माइनस करेंगे तो x आपका आ जाएगा 8। ठीक है, आंसर आ गया। आपने इकाई को वंस को x माना था जो 8 आया, और दहाई पोटेंस को y माना था जो 1 आया, तो आपकी संख्या आपका नंबर क्या आएगा मैं यहां लिख देता हूं, इकाई वन जिसे आपने x सपोज किया था वो 8 आया, और दहाई टेंस y सपोज किया था वो 1 आया। इकाई दहाई यूनिट और टेंस संख्या आ गई, नंबर आ गया 18। इसको बदल दे, इंटरचेंज कर दे, तो ये हो जाएगा 81 हो गया। चेक कैसे करोगे, इसके अंकों का योग 9 है, इसके डिजिट का सम 9 है, करके देखो 9 आता है ये देखो। और कैसे चेक करोगे, आपकी जो मूल संख्या है ओरिजिनल नंबर क्या है 18, इसका 9 गुना 9 टाइम परिवर्तित संख्या के ऑप्टेन रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट नंबर के यानी 81 के 4 टाइम 2 टाइम के इक्वल है, दो गुने के बराबर है। ठीक है, 8 9 72 के 2 कैरी 7 9 1 9 और 7। ठीक है, 2 1 2 8 2 16, ये आ गया, देख लीजिए दोनों आपस में क्या है इक्वल हो गया। इस टाइप से आप अपने क्वेश्चंस करोगे। ओके, चलिए अब हम आपका एग्जांपल नंबर 11 करते हैं, इजी क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 11 में दो व्यक्तियों की बात हो रही है, दो पर्सन की बात हो रही है। वो दो व्यक्ति कौन है, दो पर्सन कौन है, इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन हमारे पास जो मुख्य जानकारी है मेन इंफॉर्मेशन, वो दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, इनकम का रेशो, यानी महीने में वो जो कमाते हैं वो है 9:7 9:7। आप बोलेंगे सर ये 9:7 क्या है, 9:7 दो पर्सन की मंथली इनकम का रेशो है, मतलब उनकी जो महीने भर की कमाई होती है उसका अनुपात है, उसका रेशो है। अब आदमी कमाता है तो खर्चा भी करता है, तो उन दोनों के खर्चों का अनुपात, उन दोनों के एक्सपेंसेस का रेशो है 4:3। और खर्चा करने के बाद जो बच जाता है वो प्रत्येक व्यक्ति की बचत होती है, ईच ऑफ पर्सन सेविंग, वो सेविंग दोनों की दी है 2000, किसी एक की नहीं दोनों की। तो आप क्या करोगे, आप अनुपातों को, रेशोस को एक्स और वाई मान लो, यानी जो आय का अनुपात है, इनकम का रेशो 9:7 है, तो आप पहले वाले की इनकम को 9x मान ले, दूसरे वाले की इनकम को 7x। जो खर्चों का अनुपात है, एक्सपेंसेस का रेशो 4:3 है, इसको y सपोज कर ले, यानी पहले वाले का खर्चा, पहले वाले का एक्सपेंसेस 4y, और दूसरे वाले का खर्चा, दूसरे वाले का एक्सपेंसेस 3y।
फिर आपको दो समीकरण बनाने हैं, दो इक्वेशन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हम हमारी आय में से खर्चा माइनस कर दे तो बचती है बचत। जैसे मैंने 2000 रुपए कमाए और 1400 रुपए खर्चा किए तो बचे कितने, 600, ये मेरी बचत है, सेविंग है। तो आप ये फॉर्मूला लगाए, आय माइनस व्यय बराबर बचत, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, और यहाँ दोनों की सेविंग, दोनों की बचत 2000 है। तो देखो कैसे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग बचत 2000, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और दूसरे वाले की इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, ये आ गई दूसरी समीकरण, दूसरा इक्वेशन। यानी पहले वाले की इनकम में से पहले वाले का खर्चा माइनस करें तो पहले वाले की सेविंग आ जाएगी 2000, और दूसरे वाले की इनकम में से दूसरे वाले के खर्चे माइनस कर दे उसकी सेविंग आ जाएगी 2000। ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000। सेकंड वाले की भी बचत, सेकंड वाले की भी इनकम 2000 ही है, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, आय माइनस व्यय बराबर बचत, आय में से व्यय माइनस करके बचत आई, आय में से व्यय माइनस करके बचत आई, दोनों ये बन गए आपकी दो इक्वेशन। ठीक है, अब इसे हम विलोपन से एलिमिनेशन से सॉल्व कर देते हैं, क्या आएगा 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 और 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। अब इसे हम विलोपन एलिमिनेशन से जब सॉल्व करेंगे तो y के गुणांक, y के कोफिशिएंट सेम करेंगे, ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 4 का, तो 9 किया 27, 9 किया 27x, 4 किया 12, 4 किया 12y, और ये आ जाएगा 6000, 728, 7428x, 4 किया 12, 4 किया 12y, और ये आएगा 8000, 8000। ठीक है, अब आप y से y कैंसिल नहीं कर सकते तो नीचे के साइन चेंज कर दें, ये माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो आप इससे इसे कैंसिल कर दें। ठीक है, 28 में से 27 गया तो माइनस एक्स आएगा, और 8 में से 6 गया 2000 आएगा, माइनस 2000, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब इसे उठाकर नंबर वन में रख दे, नंबर वन है आपका 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, 9 इंटू x की प्लेस पे आपका आ जाएगा 2000, 2000 माइनस 4y इक्वल टू 2000, 2000 माइनस 4y यही रहेगा, 9 दुनिया 18, 9 टू 18, प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस 4y इक्वल टू 18 में तो गया 16000, 16000 माइनस में आएगा, फिर आप माइनस से माइनस कैंसिल कर दे, y निकालने के लिए 16000, 16000 के बाद में 4 आएगा, 4 जो 16, 4, 4, 2, 16, तो y आपका 4000 आ गया। ठीक है, अब हम इसको आंसर में कैसे फिल अप करेंगे, हमारी जो आय का अनुपात है, इनकम का रेशियो है 9x और 7x है, 9 × 2000 और 7 × 2000 = 18000, 18000, 18000 x की इनकम आ गई और 14000, 14000 y की आय, y की इनकम आ गई, हमारे व्यय का जो अनुपात है एक्सपेंसेस का जो रेशियो है 4 और 3y है, 4 × 4000, 4000, 16000 आ गए, 16000 और 3 × 4000, 3 × 4000, 3 × 4000, 12000। पहले वाले की मंथली इनकम, मासिक आय 18000 है और खर्चा एक्सपेंसेस 16000 है, कमाता है 18000, 18000, खर्चा करता है 16000, तो बचता कितना है, सेविंग कितनी होती है 2000, 2000। दूसरे वाले की मासिक आय, मंथली इनकम 14000 है, 14000, और खर्चा एक्सपेंसेस 12000 है, 12000, तो बचेगा कितना 2000, 2000। इस टाइप से आप अपना क्वेश्चन कर सकते हो। ओके okay?